नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में एक नया आर्टिकल देख लेते हैं, एडिटोरियल। तो बदलाव का नया विद्युत चेहरा एक मूल्यविहीन समाज देगा। कार्ल मार्क्स प्रतिपादित सिद्धांत है, सभी सामाजिक मूल अंतर क्रियाएं, संस्थाएं और राज्य की संरचना तत्कालीन उत्पादन व्यवस्था से निर्धारित होती है। कृषि समाज में संयुक्त परिवार की संस्था, सामंतवाद में सामाजिक स्तरीकरण, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में राज्य की शक्ति में विस्तार, संयुक्त परिवारों का टूटना इस सिद्धांत की तस्दीक है। नव औद्योगिक पश्चिमी विश्व के साथ भी भारत भी दौड़ में आ गया। ताज़ा खबर के अनुसार बच्चों को 24 घंटे पालने वाली कंपनियां दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसके दो कारण हैं। पहला, विदेशी ग्राहक कंपनियों का नाम जब का काम जब शुरू होता है तो भारत में रात में होती है। दूसरा, भारत में काम करने वाली बहुराष्ट्रीय या बड़ी कंपनियां अपने मानव संसाधन नीति में बदलाव कर रात में भी पुरुष महिला कर्मियों के अनुपात को 70-30 कर रही है, जबकि पहले केवल पुरुष ही नाइट शिफ्ट में रखे जाते थे। इस परिवर्तन में अगर पति पत्नी नौकरी पेशा हैं तो शिशु के लिए 24 घंटे शिशु केयर सेंटर चाहते हैं। कंपनियों ने ये सेंटर अपने यहाँ भी मुहैया कराने लगी है। मूल और नैतिकता बचपन से ही सिखाया जाता है। क्या इन व्यवसायिक क्रेश या नए शिशु केयर केंद्रों में आया है यह सब सीख सकती है। बच्चे के व्यक्तित्व के सम्यक विकास में दो संस्थाएं सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। पहली, माँ की गोद और स्कूल स्तर पर शिक्षक। आज ये दोनों विलुप्त होते जा रहे हैं। उनका स्थान शिशु केयर केंद्र और अधिकतर गायब रहने वाली मैम या सर ने ले लिया। इसकी परिणति का एक नमूना देखें। कुछ समय पहले की बात है कि भारत एक वृद्ध की जो जर्मनी में अपने बेटे के यहाँ कुछ दिन बिताने गए थे, मौत हुई। बेटा विदेश दौरे पर था। जबकि पुलिस ने बेटे को फ़ोन किया तो उसका जवाब था कि अंतिम संस्कार करने वाली कंपनी को भुगतान कर दिया, कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें। भारत में रहने वाले लोगों के लिए आज भी यह खबर चौंकाती है, लेकिन कुछ वर्ष बाद यह आम सामाजिक प्रथा बन जाए। इस भावी मूल्यविहीन समाज का कारण है अर्थव्यवस्था में दृष्टिगोचर उत्पादन यानी सेवा क्षेत्र का कृषि उद्योग के मुकाबले लगातार बढ़ना और उत्पादन की क्रमिक व्यवस्था असेंबली लाइन प्रोडक्शन की जगह समानांतर व्यवस्था रहना। तो चलिए, था